हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल बाय कंसर्व विद मी। होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हमारा टॉपिक क्या है, सेल इंजरी और अडेप्टेशन। आज गाइस हम इसका बेसिक करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, हम यहाँ पर बेसिक्स बताने वाले हैं। ठीक है गाइस, बेसिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस फिर हम उसके काजेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स कि उसे क्या टाइप्स हैं। टाइप्स के गाइस रिवर्सिबल टाइप होता है, एक होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ये दोनों है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी, इसका ओवरव्यू आज लेंगे और नेक्स्ट है वो अगले वीडियोज़ में हम डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप यहाँ पर बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले आता है सेल इंजरी होती क्या है। सेल इंजरी गाइस क्या होता है, डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ वेरियस स्ट्रेसेस। मतलब क्या होता है गाइस, हम कोई भी सेल को स्ट्रेस देंगे, मतलब कोई भी स्ट्रेस देंगे तो सेल के अंदर सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई स्ट्रेस आया, मतलब आप ह्यूमन हो, आपके अंदर कोई स्ट्रेस आया, जैसे कोई टेंशन आ गई, तो आपका मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है। सेम एज इट इज़ फॉर सेल, सेल के अंदर आप अगर आप कोई स्ट्रेस दे रहे हो तो सेल के अंदर सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो स्ट्रेस है वो क्यों डेवलप होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज के कारण स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। अब आज बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस किन किन कारणों से हो सकता है। जैसे आपने फिजिकल स्ट्रेस दे दिया, अपने सेल को रेडिएट कर दिया, मतलब सेल के अंदर रेडिएशन डाल दी, तो सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, तो वो एक टाइप है सेल इंजरी का। तो सेल को दुख पहुँचाना, मतलब हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं सेल को दुख पहचाना, ही क्या कहलाता है, सेल इंजरी कहलाता है। फिजिकल रेडिएशन, फिजिकल में हीट और रेडिएशन आ सकते हैं। आप सेल को न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे सेल को, तो फिर भी सेल क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब होएगा सेल का मेटाबॉलिज्म, तो सेल इंजरी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं कैसे डेवलप होती है। तो क्या सबसे पहले हम कॉजेज की बात करें कि सेल इंजरी क्या कॉजेज होते हैं। पहला आता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में आता है गाइस हीट एंड रेडिएशन। हीट और रेडिएशन आप प्रोवाइड करोगे सेल को ज़्यादा अमाउंट में, तो सेल की स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म ये सारे डिस्टर्ब होंगे और सेल इंजरी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इस पहला आता है फिजिकल एजेंट्स। सेकंड बात करें हम मेटाबॉलिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई मोस्ट कॉमन काज है। ऑक्सीजन सप्लाई अगर डिक्रीज हो गई गाइस तो क्या हो जाएगा, थिंक ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा। ठीक है, इस्चेमिया हो जाएगा तो सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्लियर होनी चाहिए बात। अब गाइस हमारे पास क्या आता है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम क्यों होती है गाइस, ऑक्सीजन की सप्लाई कम क्यों होगी, इस्चेमिया कम हो जाएगा। इस्चेमिया मतलब डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई कम हो गई तो ऑक्सीजन किस में आता है, ब्लड से आता है, ब्लड ही नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो मोस्ट कॉमन का जो हाइपोक्सिया क्या होता है, इस्चेमिया होगा। ठीक है गाइस, और न्यूरॉन जो होते हैं वो मोस्ट सेंसिटिव होते हैं, न्यूरॉन आर मोस्ट सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, और जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो लीस्ट सेंसिटिव होते हैं। ठीक है गाइस, मेटाबॉलिक इफेक्ट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं लीस्ट सेंसिटिव होते हैं और न्यूरॉन जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं। थर्ड काज हम देखें केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में गाइस क्या होता है, जैसे केमिकल एजेंट में हमने कोई पॉइजन दे दिया सेल को हमने स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, कोई एल्कली दे दी, एसिड दे दिया, एल्कलीज दे दी। ठीक गाइस, हमने इंसेक्टिसाइड एसिड दे दिया, एल्कली दे दी, इंसेक्टिसाइड दे दी, तो ये सारी इंसेक्टिसाइड देने से सेल डिस्टर्ब होगी। तो सर ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं, केमिकल एजेंट्स में आता है। और एग्जांपल लें अगर तो गाइस एल्कोहल दे दिया, नार्कोटिक ड्रग्स दे दी, ये सारे किस में आते हैं, केमिकल एजेंट्स में आते हैं। मैं ओवरली बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है गाइस जीनेटिक डिसऑर्डर्स। आप जीनेटिक डिसऑर्डर मतलब फैमिली टू फैमिली भी ये सेल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट आता है गाइस इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या आता है। ठीक है, जैसे आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, मतलब जो आपका एंटीबॉडीज हैं उनसे रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, एनाफाइलेटिक जो रिएक्शंस हैं, ये सारी की जाती है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में आती हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई, एनाफाइलेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, ये सारी कहाँ आएंगी, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। नेक्स्ट हम बात करें इन्फेक्शियस एजेंट्स भी ये काज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काज बता दिए कि सेल इंजरी किस किस
वजह से हो सकती है। ठीक है गाइस, सपोज करो गाइस ये सेल है, ये सेल होगी, हमने सेल को स्ट्रेस दे दिया, ये स्ट्रेस हमने सेल को दे दिया। फिर स्ट्रेस देने के बाद जो सेल है, सेल रेस्पॉन्ड करेगी। सेल क्या करेगी? रेस्पॉन्ड। सेल रेस्पॉन्ड करेगी तो सेल जो रेस्पॉन्ड करेगी वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सेल कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, हाउ सेल रेस्पॉन्ड, सेल कैसे रेस्पॉन्ड करेगी, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे यहाँ पर डिपेंड करती है कि सेल कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। पहला फैक्टर गाइस होस्ट फैक्टर मतलब टाइप ऑफ सेल, मतलब कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व्ड है, टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू इन्वॉल्व्ड, मतलब हम जो स्ट्रेस दे रहे हैं वो किस सेल को दे रहे हैं, उस हिसाब से वो जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट होता है, टिश्यू इन्वॉल्व्ड इन इंजरी। ठीक है, सेकेंड थिंग किस पर डिपेंड करेगी, फैक्टर रिलेटेड टू इंजरियस एजेंट, मतलब जो इंजरियस एजेंट है वो क्या है, जो हम इंजरी दे रहे हैं वो एजेंट जो है जिससे हम इंजरी दे रहे हैं वो किस टाइप का है, तो उस टाइप पे भी रेस्पॉन्स डिपेंड करता है कि सेल क्या रेस्पॉन्स दे। ठीक है गाइस, ओके, तो ये गाइस ये दो फैक्टर हैं सेल के रेस्पॉन्स के, भाई सेल जो रेस्पॉन्ड देगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करेगी होस्ट फैक्टर पे कि हमने कौन सा सेल इंजर्ड कर रहे हैं, एक डिपेंड करेगी हम इंजरियस एजेंट कैसा ले रहे हैं। ठीक है, अब गाइस हम डिफाइन कर रहे हैं सेल इंजरी, सेल इंजरी की जो टाइप्स हैं वो हम डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइस बेसिक्स क्या लें, हम लेते हैं नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी स्टिमुलाई के बेसिस पर यहाँ पर सेल इंजरी को डिवाइड करने वाले हैं। नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी स्टिमुलाई के बेसिस पर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल का ये नॉर्मल सेल है, दिस वन इज नॉर्मल सेल। अगर हम इस नॉर्मल सेल को, इसकी जो फंक्शनल डिमांड है अल्टर्ड, फंक्शनल डिमांड को हम अगर अल्टर कर दें तो जो सेल इंजरी होती है उस सेल इंजरी को हम बोलेंगे अडेप्टेशन। अगर हम फंक्शनल डिमांड को अल्टर कर दें, जो फंक्शनल डिमांड है सेल की, सभी सेल्स की फंक्शनल डिमांड होती है, उनको अगर हम अल्टर्ड कर दें तो सेल एक रेस्पॉन्स शो करेगा, उसे क्या कहेंगे अडेप्टेशन। अडेप्टेशन गाइस बहुत टाइप्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो आगे वाले वीडियोज़ में आएंगे उनमें इनको फर्दर डिटेल में स्टडीज़ करेंगे, यहाँ पर हम ओवरव्यू ले रहे हैं। एट्रोपी एक टाइप का अडेप्टेशन है, हाइपरट्रोपी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपरप्लेशिया भी हम ले सकते हैं, ये सारे किसके टाइप हैं, अडेप्टेशन के। मेटाप्लेशिया हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इनकी नेक्स्ट वीडियोज़ में, यानी डिस्प्लेशिया ये अडेप्टेशन हो गया। ये क्यों हुआ, ये वाला अडेप्टेशन क्यों हुआ, क्योंकि अल्टर कर दिया हमने फंक्शनल डिमांड है सेल की, उसको हमने अल्टर कर दिया तो सेल रेस्पॉन्स शो करेगी, उसे क्या कहते हैं अडेप्टेशन। फर्स्ट क्लियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस। हमने स्ट्रेस जो स्टिमुलाई थी, इंजरी स्टिमुलाई, हमने माइल्ड और मॉडरेट दी, मतलब हल्की सी मॉडरेट स्टिमुलाई दी। तो फिर उससे क्या जनरेट होता है, उससे जो सेल इंजरी होगी उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है गाइस, ये बहुत तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर डीजनरेशन हो सकता है। ठीक है, सब सेलुलर अल्टरेशन, जो सेल का टाइप होता है वो अल्टर कर सकता है सब सेलुलर अल्टरेशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन, मतलब सेल के अंदर कोई डिपॉजिट हो सकता है, इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन, फर्दर हम स्टडी करेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट स्टिमुलाई दी तो रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया। ठीक है, अब हम गाइस सीवियर स्टिमुलाई दे रहे हैं। ये चीज़ आ क्यों रही है, स्टिमुलाई की बात क्यों आ रही है, क्योंकि हमने डिवाइड इस बेसिस पे किया है कि नेचर और सीवियरिटी ऑफ इंजरी स्टिमुलाई, इस बेसिस पे डिवाइड कर रहा है, इसलिए ही सीवियर स्टिमुलाई, मॉडरेट स्टिमुलाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो सीवियर स्टिमुलाई में अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो गाइस एक इंजरी होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी डेवलप हो जाएगी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में गाइस बहुत सारी चीज़ें आएंगी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में नेक्रोसिस
नेक्रोसिस आएगा, आपका आएगा एपोप्टोसिस, आपका आएगा नेक्रोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस मतलब नेक्रोसिस एपोप्टोसिस साथ भी हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं नेक्रोप्टोसिस। एक आएगा पायरोप्टोसिस, पायरोजन इंड्यूस एपोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने, हमने ओवरव्यू लिया है कि सेल इंजरी क्या टाइप्स हैं, टाइप्स किसके बेसिस पे हमने किया, नेचर एंड सीवियरिटी ऑफ इंजरी सिस्टम लाइक बेसिस पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, अब गाइस एक चीज़ हम बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ हम बताने वाले हैं, एक चीज़ हम बताने वाले हैं, सेल इंजरी होती है ना, जो सेल इंजरी होती है उसमें फोर ऑर्गेनल्स अफेक्टेड होते हैं, फोर ऑर्गेनल्स मैनली अफेक्टेड, मैनली अफेक्टेड, मैनली अफेक्टेड। कौन कौन से वो ऑर्गन्स होते हैं वो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, पहला होता है न्यूक्लियस, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स की, प्लाज्मा सेल होती है वो अफेक्टेड होती है। फोर्थ हमारे आरईआर की, ये चार ऑर्गन है ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीज़ें। तो गाइज ये हमने सारा बेसिक कर लिया, ये क्या कर लिया हमने बेसिक्स। अब गाइज नेक्स्ट वीडियोस में हम ये सारे डिफाइन करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करने वाले हैं कि अडेप्टेशन, एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेशिया, मेटाप्लेशिया, रिवर्सिबल सेल इंजरी डिफाइन करेंगे, कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है, इनका मैकेनिज्म डिफाइन करने वाले हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन लेने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन्स को भी दबा सकते हो। ठीक है गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।